एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ। ए बी और सी डी जो है ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। कह रहा है फाइंड बी ओ ई, आपको बी ओ ई निकालना है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, और जो सी ओ ई बन रहा है उसका रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले, चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा ध्यान से, ये आपके पास डायग्राम है, ये आपको डेटा दे रखा है, और ये दो चीज़ें आपसे बी ओ ई क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, ये सब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, तो पहले इसमें दिखाना अच्छा होता है, डायग्राम में हमेशा एंगल को दिखाना उससे बेटर होता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो एंगल बी ओ डी ये 40 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ 40 डिग्री बराबर, ठीक। अगली चीज़ इसने कहा एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी मतलब ये एंगल, ठीक है, और एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम लगभग दे रखा है 70 डिग्री, लगभग क्या 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एंगल बी ओ ई बताइए, एंगल बी ओ ई बताइए, ये वाला एंगल अकेले बताना है, पहले चीज़। दूसरा चीज़ कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, और सी ओ ई का रिफ्लेक्स बताना है, मतलब ये नहीं, रिफ्लेक्स मतलब आप याद करिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता था, जैसे इसका ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है ना। तो आपको बताता हूँ मैं, पहले इसको पहला स्टेप बता दूँ, फिर उसी में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि रिफ्लेक्स क्या होगा उसमें। चलो, तो हमें दे रखा है एंगल ए ओ सी, ए ओ सी ये और ये दे रखा है। चलो, तो एक हम लोग बुद्धिमानी करें ये कि ये एंगल भी इंक्लूड कर लें इस सिंगल लाइन पे, ए ओ बी पे हम देखें ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों बता रहा हूँ। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, क्यों, क्योंकि एक लाइन पे मैक्सिमम 180 डिग्री ही बन सकता है, ठीक है, हो गया। अब देखो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई दे रखा था, मतलब ये और ये दे रखा, कितना 70 डिग्री, तो इन दोनों को मिलाकर हम 70 लिख सकते हैं, प्लस ये एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री, यहाँ से आगे करेंगे तो एंगल सी ओ ई निकल गया, एंगल सी ओ ई कितना निकल गया 180 माइनस 70 कितना मिला 110 डिग्री, एंगल सी ओ ई निकल गया, ये वाला एंगल निकल गया 110 डिग्री, ठीक। जब ये निकल गया तो अब लाइन सी डी पे देखो, ये और ये इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा, तो ऑनलाइन सी डी, ये ऑनलाइन सी डी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने अचानक सा क्या किया। अब मैं सी डी पे इस लाइन पे देखो, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल बन रहे हैं, तो एंगल सी ओ ई कितना है 110 प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई या ई ओ बी एक ही बात है, प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, इससे कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो 110 और 40 कितना हुआ 150 उधर जाएगा, तो एंगल बी ओ ई 180 माइनस 150 कितना बचेगा 30 डिग्री। देखो बच्चों, ये हमें मिल गया, यही तो पूछ रहा था, एंगल बी ओ ई कितना मिल गया 30 डिग्री, ये आपको मिल गया। देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, सब मिल गया, लगभग बहुत सारे मिल गए। चलो अब आपसे कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, अब मैं आपको रिफ्लेक्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि क्या रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई क्या होगा। पहले ध्यान से देखो, सी ओ ई ये है सी ओ ई, लेकिन इसका रिफ्लेक्स का मतलब अगर मैं इसको मिटा दूँ, इसका रिफ्लेक्स मतलब इतना, ये पूरा सी ओ ई इतना आपको चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। तो दो तरीका से कर सकते, सिंपल मेथड लगाओ, जैसे कोई एक पूरे सर्कल में कितना एंगल बनता है, एक पॉइंट पे 360 डिग्री,
तो मान लो इतना पूछ रहा हो, इतना दिया हुआ हो, जैसे मान लो ये 40 दिया हो और बाकी पूछ रहा है, तो 360 में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको निकल आएगा। तो आप सिंपल सा यहाँ पे लगाओगे, क्या लगाओगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। रीजन दे दोगे, एंगल ऑन अ पॉइंट, और एक पॉइंट पे एंगल कितना होता है, टोटल एंगल 360 होता है, 360 और मैं से ये माइनस कर दूँ, ठीक है। तो ये हो गया 360 माइनस 110, तो 052, 250, ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ, रिफ्लेक्स है सी ओ ई नहीं है, ये सी ओ ई तो पहले ही निकल गया था 110, लेकिन आपको रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मतलब ये जो मैंने हरे से बना रखा है ये वाला, समझ में आ गया। तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन मैंने कराया था सेम टू सेम उसी की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कह रहा है इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, जो एंगल पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस वो बराबर होगा किसके, एंगल पी आर टी के। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप समझ गए होगे तो आप आराम से लगा लोगे, ठीक है। चलो डायग्राम देखो ध्यान से, इसमें ये कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर, ये एंगल और एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल बराबर है, एकदम अच्छा है। और फिर कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं ई वाली लाइन देखूँ यहाँ तक ना जाऊँ, मैं यहीं तक देखूँ, लाइन तो एक ही है वैसे, तो उसमें ये वाला एंगल और ये एंगल, दो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस वाली लाइन पे आगे ना जाऊँ, मैं इस एंगल को, इस एंगल को देखूँ, तो वो किस पे बन रहा है, इस एस टी लाइन पे ये एंगल बन रहा है। तो लीनियर पेयर यहाँ भी हो गया, और वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। रीजन कह दोगे लीनियर पेयर भाई, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, वही मैंने लिखा है, ठीक है। वैसा ही काम आप यहाँ पे भी करेंगे, ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे एंगल, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच बच्चों, 180 डिग्री। ये भी रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर, और इसको भी इक्वेशन नंबर 2 मान लो। समझ में आया बच्चों, मैंने क्या किया भाई, देखो ये और ये मैंने देखा इक्वल दिया हो, तो इनका यूज़ किया जाए, यूज़ कैसे होंगे, जब इन्हीं के बगल वाले पड़ोसी एंगल को मैंने ले लिया, एडजेसेंट एंगल भी बोल लो, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर। सिमिलरली इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री के बराबर। बोलोगे सर इससे क्या हासिल हुआ, ये मैं बता रहा हूँ क्या हासिल हुआ। देखो पहले ध्यान से, आपको पी क्यू एस और पी आर टी में रिलेशन चाहिए, मतलब इस एंगल में रिलेशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन चाहिए, किसी चीज़ में रिलेशन ढूंढने के लिए कोई कॉमन ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर रिलेशन ना हो तो कहीं हम कॉमन ढूंढते हैं, जैसे मान लो आपका किसी से रिलेशन ढूंढना, तो आपका डायरेक्ट उससे रिलेशन भाई बहन या मम्मी पापा या किसी का रिलेशन ना हो तो क्या करते हो, बोलते हो कि वो मेरे बुआ के मामा के लड़के हैं, ऐसे मतलब रिलेशन को ढूंढते हो कहीं ना कहीं से बना के, वही मैंने यहाँ पे किया। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो, और राइट हैंड साइड में जितना भी कुछ लिखा है वो बराबर। अच्छा जोड़ो भी ना, नहीं नहीं जोड़ो मत, जोड़ो मत, फालतू का एक स्टेप बढ़ाओगे, कुछ जोड़ो मत, कंपेयर कर दो। क्या कंपेयर कर दो, मुझे क्या आइडिया, मैं बता रहा हूँ। देखो राइट हैंड साइड में 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों है, मतलब जिसका राइट हैंड साइड बराबर है उसका लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता चला कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, सॉरी जिसका राइट हैंड साइड बराबर है उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब एंगल पी ओ पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। कहोगे सर अभी भी कहाँ आ गया, तो अब आ गया बच्चों, ध्यान से देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर कहाँ गया, पी क्यू आर या पी आर क्यू, पी क्यू एस मैंने, पी क्यू आर कहाँ गया, ये एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल और एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है पहले से ही आपको पता है कि ये बराबर हैं, ये आपको दे रखा है। तो जब दोनों बराबर हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, तो आपको यहाँ से फाइनली मिल जाएगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। और बच्चों यही तो आपको प्रूफ करना था, समझ में आया कि नहीं आया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अच्छा भी है, मतलब जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी है। इससे पहले क्वेश्चन फोर था वो मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, उसमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ था और पूछ बोल रहा था कि ए ओ बी के को लाइन प्रूफ करना है, तो भाई दोनों को 180 प्रूफ कर दोगे तो लाइन पे जो भी एंगल्स आते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो फिफ्थ देखो क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है, लाइन ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी पी क्यू, जो ओ आर है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ से आप एक आपको एक चीज़ मिल गया, वो ये है कि एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री हो गया, चलो अच्छी बात। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ठीक, तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों। तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, अब देखो क्या क्या दिया है और क्या आपसे पूछ रहा है। देखो आपको ये चीज़ बोला कि इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये कंफर्म 90 डिग्री हो गया, एक चीज़ तो हमें मिल गया, ठीक है। और एक चीज़ अगर ये 90 डिग्री हो गया तो मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो ये भी हमें एक चीज़ मिल गई, ठीक है। तो पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से कि ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, इन दोनों का, इन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ये दोनों पूरा मिला के, भाई ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, तभी तो 180 बनेगा। इसका मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो सॉल्यूशन, देखो एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, एस ओ आर लिखो या आर ओ एस लिखो एक ही बात हो, एंगल एस ओ आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि वो वाला 90 डिग्री था तो ये दोनों भी 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ से एस ओ आर निकाल लो बाहर, तो एंगल एस ओ आर या आर ओ एस एक ही बात है, 90 माइनस एंगल पी ओ एस हो गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया बच्चों, इस इक्वेशन को यहीं रहने दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो, ठीक है। मैं बताऊंगा कि क्यों निकाल रहे हो। देखो प्रूविंग में ना आपको हमेशा स्मार्ट आइडिया की ज़रूरत है, कि पता हो कि कहाँ से कहाँ रिलेशन बनेगा, कौन सा कॉमन पॉइंट आ रहा है वहाँ से हम रिलेशंस निकालते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्यू ओ एस चाहिए, पी ओ एस चाहिए और आर ओ एस चाहिए, तीन चीज़ों में रिलेशन चाहिए, तो आर ओ एस और पी ओ एस तो हमें मिल गया। अब हमें क्यू ओ एस ढूंढना है, क्यू ओ एस, तो क्यों ना क्यू ओ एस निकाल लें सीधे, एंगल एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू ये एंगल क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये होगा एंगल एस ओ आर या आर ओ एस जो मन करे वो लिखो, प्लस ये एंगल आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, तो कोई ज़रूरत नहीं। अब इस 90 को इधर भेज दो तो हमें एंगल एस ओ आर निकल जाएगा, तो एंगल एस ओ आर क्यों निकल गया ये मैं बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस का 90 डिग्री को हमने उधर भेज दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब बोलोगे सर आप ये क्यों आर ओ एस या एस ओ आर को बाहर ले लिए, देखो इसमें भी एस ओ आर है, इसमें भी एस ओ आर है और इसमें आर ओ एस, वही एस ओ आर या आर ओ एस, तो इधर हमें आर ओ एस चाहिए, तो इधर हमने दोनों में आर ओ एस बना लिया। अब मैं क्या करूँगा ना, दोनों इक्वेशन को जोड़ लूँगा, तो आप लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को जोड़ोगे, तो इस साइड को सम करके नीचे लिखिए, इस साइड का सम किसका किसका सम, इसका इसका, तो आर ओ एस और आर ओ एस, एंगल आर ओ एस या एस ओ आर एक ही बात है, ठीक है, परेशान मत होना बार बार, एक ही बात बता रहा हूँ बार बार, तो ये आर ओ एस प्लस आर ओ एस दोनों का लिख दिया, ये एस ओ आर, और इधर वाले साइड को भी जोड़िए, 90 माइनस पी एंगल पी ओ एस
प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। ठीक बच्चों, ध्यान से देखो, अब आ गया आपका आंसर। देखो कैसे, ये 90 प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट। फिर आर ओ एस, आर ओ एस दो बार है तो टू एंगल आर ओ एस, टू ऑफ एंगल आर ओ एस भाई एक्स और एक्स क्या होगा, टू एक्स, वैसे ही आर ओ एस और आर ओ एस क्या हो जाएगा, टू एंगल आर ओ एस। ठीक है, इज इक्वल्स टू, पहले इसको लिख लो प्लस में, ये है एंगल क्यू ओ एस माइनस, ये इसको बाद में लिख लो एंगल पी ओ एस। अब देखो हमें क्या चाहिए, केवल आर ओ एस चाहिए, तो टू इधर से उधर भेज दो, तो ये हो गया एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। समझे बच्चा, देख रहे हो कितना आसान हो गया। ये है स्मार्ट कैलकुलेशन, स्मार्ट थिंकिंग, ये बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप प्रूविंग करने जा रहे हो, खासकर उसमें आपको पता होना चाहिए क्या दिया हुआ है और क्या ले आना है। आपको हमेशा पता होना पहुँचना कहाँ है, तो जो पहुँचना कहाँ है उसके लिए आप तैयारी करोगे उसी हिसाब से। देखो हमें पहुँचना था, हमें चाहिए था आर ओ एस, क्यू ओ एस और पी ओ एस, इन तीनों में रिलेशन चाहिए था। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले आर ओ एस निकाल लिया। अब आर ओ एस कैसे निकाला, ये एंगल दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये वाला तो 90 डिग्री है ही, तो हमने उसके हिसाब से ये एक एंगल में बना लिया। ठीक, दूसरा मैंने क्या किया, देखो समझो, दूसरे में भी मैं आर ओ एस ही निकालूंगा क्योंकि हमें टू एंगल ऑफ आर ओ एस चाहिए, तभी तो उधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा। या वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें एक एंगल और भी ज़रूरत है, वो है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये वाला एंगल चाहिए था। तो ये एंगल के लिए मैंने क्या किया, एंगल एस ओ क्यू या क्यू ओ एस इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अब मैंने क्या कहा, एस ओ आर को इधर कर लो, 90 डिग्री को उधर भेज दो, तो एस ओ आर इधर ही रह गया और क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री हो गया। इक्वेशन वन इक्वेशन टू बन गया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो 90 90 कैंसिल आउट हो गए क्योंकि प्लस माइनस है, कैंसिल आउट। आर ओ एस, आर ओ एस टू एंगल ऑफ आर ओ एस या एस ओ आर, जो बन करे लिखो। ठीक है, और ये इसको पॉजिटिव को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि देखो ये पहले है और ये बाद में, इसलिए मैंने लिख लिया। और फिर टू उधर भेज दिया क्योंकि हमें वो चाहिए था, अगर इसी को टू इधर रहने देता तो हम भी इधर ही रहने देते और वही प्रूफ कर देते। ठीक है, छठा और आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें डायग्राम नहीं दिया है तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इसको करवा दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन देखो, कह रहा है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। ठीक है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी, और एक्स वाई को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, एक फिगर आपको बनाना है ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है भाई, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एक रे बन रही है वाई क्यू जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल एंगल में बना रहा है, तो फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो मुझे इसमें बुक की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बुक स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई कहीं ना कहीं दिया हुआ है, तो हमने एक रे बना दिया एक्स और वाई, इसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये आ गया पॉइंट पी। ठीक है भाई, ये है वाई। ठीक, उसने एक्स वाई एक रे दे रखा है, उसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी मतलब एक रे इधर भी है कहीं, जेड वाई पी जो बना रही है। ठीक है, और एक्स वाई जेड एक एंगल है, एक्स वाई जेड एक एंगल बन रहा है कहीं इधर, सॉरी ये एक्स वाई जेड एंगल बन रहा है, वो दे रखा था हमें कितना, 64 डिग्री दे रखा था। ठीक है, और एक चीज़ और कह रखा है कि जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को एक रे बन रहा है वाई क्यू, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ दे रखा। चलो भाई, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ठीक है एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्या पूछ रहा है, एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा एंगल पूछ रहा है। ठीक है, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मतलब क्यू वाई पी, अगर पता हो तो उससे 360 से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा क्वेश्चन, ऐसा मैंने आपको बता रखा है अभी भी। चलिए इसे करते हैं, अब क्या करोगे, वही बात फिर से,
ये लाइन, ये रे था, इसको प्रोड्यूस करके आगे बढ़ा दिया गया एक लाइन पे, ये एक्स पी हो गया। तो एक्स पी एक लाइन है, इस लाइन पे जितने भी एंगल बने होंगे सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? जोड़ो ऑन एक्स पी, एक्स पी लाइन पे क्या होगा, 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी या पी वाई क्यू कह लो, क्यू वाई पी, ये तीनों किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर। एंगल ऑन ए लाइन, अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमें बराबर दे रखा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर दे रखा है, मतलब इन दोनों में ये एंगल बराबर है, तो इससे क्या मिलेगा? अच्छा, आपको निकालना क्या है पहले, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो मतलब ये एंगल हमें चाहिए, तो जेड वाई क्यू, जहाँ पे जेड वाई क्यू है इसको भी जेड वाई क्यू लिख दो, क्यों? क्योंकि इसके बराबर ही ये है, तो आप लिख सकते हो 64 प्लस जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, 64 को चाहते तो आप उधर भेजो, माइनस 64। अच्छा बच्चा, ये समझ में आ गया क्या जेड वाई क्यू और जेड वाई क्यू दो बार मैंने कैसे लिख दिया? क्योंकि बेटा ये जेड वाई क्यू जो है वही तो क्यू वाई पी के बराबर है, इसी वाले मैं क्यू वाई पी की जगह जेड वाई क्यू लिख सकता हूँ, तो ये टू एंगल जेड वाई क्यू हो गया, टू एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू 180 में से 64 माइनस करो, तो यहाँ बचा 6, यहाँ 7, 7 और 6 गया 1 और 116 डिग्री, तो हमें यहाँ से मिल गया एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू 116 इज डिवाइडेड बाई 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो 25 जब 10, 128 जब 58 डिग्री मिल गया, क्या जेड वाई क्यू, जल्दी से लिख दो जेड वाई क्यू, ये 58 डिग्री मिल गया। ठीक, यहाँ से इन्होंने अब हमसे जेड वाई क्यू नहीं पूछा था, हमसे पूछा था एक्स वाई क्यू, ये एक्स है यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्स वाई क्यू पूछ रहा है, तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स वाई क्यू निकल जाएगा, तो बोलोगे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, तो एक्स वाई जेड कितना है 64 और जेड वाई क्यू अभी तो निकाल लेते हैं 58, दोनों को जोड़ो 8 4 12 और 6 5 11 और 1 12 122, ठीक 122 इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई, एक्स वाई क्यू की। अब रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, फिर से रिफ्लेक्स समझो, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी ये है, तो देखो ये अगर 58 आया है तो ये भी 58 आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये 58 तो ये भी 58 होगा, कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्स आपको निकालना है, इसका मतलब ये इतना एंगल आपको निकालना है जितना मैंने ब्लू से बना रखा है, देखो इतना आपको निकालना है ये, तो देखो एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का, तो उस 360 में से अगर 58 माइनस कर दो तो ये बाकी एंगल निकल आएगा, सेम काम करो, लिखोगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस हाउ मच, इसी को हटा दो बस, जिसका रिफ्लेक्स पूछे ना उसको छोड़ के बाकी सारा एंगल, तो इसको 58, इसका क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स पूछ रहा है तो 58 हटा के बाकी सब, तो 58 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो दो कम कर दो 60 से, तो ये होगा 302 डिग्री बस। तो बच्चों देखो ये हो गया एक्सरसाइज 6.1 टोटली कवर्ड, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया, फिर मैंने आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराए, अब आपका काम ये है कि इन क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इससे पहले डाल रखा है, आप उसको देख लो, अगर दिक्कत हो रही है तो 2-3 बार देख लो, ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, और इन क्वेश्चंस को एक बार देखो, बाकी फिर से अपने से लगाने की कोशिश करो, क्योंकि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम ना आए इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आराम से इन सारे क्वेश्चंस को देखो, प्रैक्टिस करो और आपसे हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।